विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासुब यद्भद्रं तन्न आसु भ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहैः तेजस्विना मा विद्विषा शांति 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 ओम श्री परमात्मने नमः। नम सांख्यकारिका की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है सांख्यकारिका के हम तीन कारिकाओं का अध्ययन पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं जिसमें व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान, इन तीन तत्वों का साधारण परिचय कारिकाकार ने कराया पच्चीस तत्वों का समुदाय है मूल प्रकृति महातत्व अहंकार पंचतन्मात्र एकादश इंद्रिय तथा पंचभूत ये चौबीस तत्व हुए और एक पुरुष जो पच्चीसवा तत्व है इनमें से जो मूल प्रकृति है वह अव्यक्त कही जाती है और मूल प्रकृति के अतिरिक्त उसके जितने कार्य हैं विकार जिसे बोलते हैं विकृति जिसे बोलते हैं वो सब व्यक्त के अंतर्गत आते हैं और पुरुष ज्ञान के अंतर्गत आता है तो व्यक्त अव्यक्त और जिसके विषय में कहा गया कि पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्र आसमे वसेत जटी मुंडी छिखी वापी मुच्यते नात्र संशया कि जो 25 तत्वों के ज्ञान से चाहे वो किसी भी आश्रम में हो वानप्रस्थ हो सन्यास हो ब्रह्मचारी हो वो मुक्त हो जाता है भगवत तत्व की प्राप्ति कर लेता है इसमें कोई संशय नहीं होता तो 25 तत्व यही है जिसका साधारण परिचय कारिकाकार ने कराया अब चूँकि इसके जानने की बात कही गई है पंचविंशति तत्वज्ञ तो तत्वज्ञ होना है यानी कि इन तत्वों को जानना है यानी कि जानने का तात्पर्य है कि ये ज्ञान के विषय बनते हैं ज्ञान का जो विषय बनता है उसे तांत्रिक भाषा में ज़े अथवा प्रमेय कहा जाता है जिसे हम जानते हैं अर्थात जो जानने योग्य है अथवा ज्ञान का जो विषय बनता है उसे प्रमेय अथवा जे इस शब्द से कहा जाता है तो ये 25 के 25 तत्व जे हैं जिसको सामान्य रूप से जान करके और विशेष रूप से जान करके इन दोनों प्रकार के ज्ञान से मुच्चतनात्र संशय है व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है ऐसा आचार्यों ने निर्देश किया अब ये जे पदार्थ पच्चीस तत्व है तो जय पदार्थ को जानने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं यानी कि जानना है तो क्या ऐसे ही जानना है कि या इसके जानने में कोई प्रमाण भी है क्योंकि सारे शास्त्र सारे दर्शन जो है वो प्रमाणों की चर्चा करता है क्योंकि वो तत्व की बात करता है ज्ञान की बात करता है तो ज्ञान की बात करता है तो क्या वो ज्ञान किसी माध्यम से होता है अथवा बिना किसी माध्यम के होता है बिना किसी साधन के होता है तो समस्त दर्शन शास्त्रों का एक ही मत है कि कोई भी तत्व ज्ञान हो वह साधन से ही जाना जाता है और उस तत्व ज्ञान के जो साधन हैं, उसे प्रमाण कहा जाता है और वो प्रमाण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं अलग अलग दर्शन शास्त्रकारों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रमाण के भेद बताए गए हैं लेकिन सब में एक समानता है कि सब प्रमाणों को मानते हैं बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होता यह सब स्वीकार करते हैं क्योंकि बिना प्रमाण के यदि ज्ञान होने लगे तो वह ज्ञान अप्रमाणिक हो जाएगा और अप्रमाणिक ज्ञान होने से भ्रम संशय आदि का जनक हो सकता है और उससे व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होगा दुख की निवृत्ति की तो बात ही नहीं है इसलिए महर्षि ने सर्वप्रथम प्रमाणों के विषय में अब आगे चर्चा कर रहे हैं तो सांघ कारिका कह रहे हैं कारिका संख्या चार माप्त वचनम च सर्व प्रमाण मिष्ट प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि करेंगे दृष्टम अनुमान सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् ये तीन प्रमाण होते हैं दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं अनुमान और आप्तवचन यानी कि शब्द कहिए आगम कहिए एक ही बात है तो आप वचन यानी कि शब्द प्रमाण अनुमान और दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष ये तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं और इन तीन ही प्रकार के प्रमाणों से सर्व प्रमाण सिद्धत्वात जितने भी अलग अलग दर्शनकारों ने जो प्रमाणों की संख्या निर्धारित की है कोई चार कोई पांच कोई छः, कोई आठ अलग अलग प्रमाणों की संख्या निर्धारित की गई है कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये चार तो न्यायकार मानते हैं अर्थापत्ति अभाव को जोड़ देते हैं तो ये मीमांसक और वेदांती मानते हैं और उसमें भी ऐतिह संभव आदि को जोड़ देते हैं तो आठ प्रमाण पौराणिक मानते हैं तो अलग अलग शास्त्रकारों के माध्यम से अलग अलग प्रमाणों की संख्या निर्धारित की गई है तो कारिकाकार यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये तीन प्रकार के ही हम प्रमाण मानते हैं और इन्हीं तीन प्रकार के प्रमाणों में समस्त प्रमाण अंतर्भावित हो जाते हैं इसलिए हमें चार पांच छ आठ ये भेद करने की आवश्यकता नहीं है हम तीन में सबका अंतर्भाव कर लेते हैं अंतर्भाव का मतलब ये होता है कि उनको अस्वीकार नहीं करते उसी में समेट देते हैं उन्हीं तीन में ही सबको समेट देते हैं इसलिए तीन ग्रुप हो गए ये प्रमाणों के तीन ग्रुप हो गए तो अन्य जितने भी प्रमाण हैं यानी कि उपमान अर्थापत्ति संभव अभाव ऐतिह ये जितने भी प्रमाण हैं इन सबको तीन में ही समेट करके और केवल तीन ही इनको इष्ट है इसलिए कहा त्रिविधम प्रमाण इष्टम हमको तीन ही प्रमाण इष्ट है सांख्य दर्शन को तीन ही प्रमाण इष्ट होता है इसलिए उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रमाण हैं उनका क्या होगा तो उन्होंने कहा कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वा त्रिविधम सब प्रमाण जो है इन्हीं तीन में सिद्ध हो जाते हैं इन्हीं तीन में अंतर्भावित हो जाते हैं इसलिए हमको चतुर्थ पंचम या आदि प्रमाणों की संख्या मानने की आवश्यकता नहीं है और इन तीन ही से प्रमेय सिद्धि इन तीन ही प्रमाणों से समस्त प्रमेयों की सिद्धि हो जाती है प्रमेय का मतलब जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं जो 25 तत्व तो बताए वो व्यक्त अव्यक्त जय के नाम से वो 25 तत्वों तो प्रमेय के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनको जानना है और उनको जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो इसलिए उन समस्त प्रमेयों की सिद्धि इन तीन ही प्रमाणों से हो जाती है इसके अतिरिक्त चतुर्थ पाँचवा छठा सातवा आठवाँ मानने की हमें आवश्यकता नहीं हम तीन से ही समस्त प्रमेयों की सिद्धि कर लेते हैं कोई ऐसा प्रमेय छुटता नहीं है जो इन तीन से न प्राप्त हो न जाना जाए इसलिए हमको तीन ही इष्ट है वो कौन कौन से है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द उसी को कहा दृष्ट अनुमान आप्त वचन अब इनके लक्षण क्या क्या हैं इनके क्या स्वरूप है इसका भी कथन आगे कार कर रहे हैं पांचवी कारिका में प्रति विषयाध्यसा दृष्टम त्रिविधम मनमानतम तलिंग लिंग पूर्वक आप वचन तु करेंगे प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम प्रत्येक विषय का जो अध्यवसाय है वो दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है विषय पांच हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांच ज्ञान इंद्रियां हैं इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से हम पांच विषयों को ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों का विषय इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करना एक अलग बात हो गई और उनका अध्यवसाय करना यानी कि निश्चय करना उसका ज्ञान करना यह अलग बात हो गई दोनों में अंतर है ग्रहण वास्तव में वही होता है जो ज्ञान का विषय बनता है क्योंकि जब तक से हमें ज्ञान नहीं होता है उसको ग्रहण न ग्रहण के बराबर है मान लीजिए आंख का विषय के साथ संबंध बन रहा है रूप के साथ संबंध बन रहा है और उस रूप का ज्ञान ही हमें नहीं हो रहा है लेकिन इंद्रिया संिकर्ष हो रहा है तो उस इंद्रिया संिकर्ष होने के बावजूद भी वो ज्ञान न होने से वो इंद्रिया संिकर्ष न के बराबर है इसलिए अध्यवसाय पद डाला महर्षि ने अध्यवसाय का तात्पर्य होता है कि अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है बुद्धि अध्यक्षशाय बुद्धि ऐसा सांघिकार ने एक सूत्र दिया कि निश्चय करना यह बुद्धि का काम है यानी कि इंद्रियात्सनिकर्ष होता है और इंद्रियात्निकर्ष होने के साथ साथ मन में अर्थात बुद्धि में जब वृत्ति न बने तब तक वो वस्तु गृहित नहीं होती हमें अनुभव में नहीं आती इसलिए जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे वृत्ति में बन जाए हमारे चित्त में बन जाए वृत्ति के रूप में वस्तु का जो हम वस्तु देख रहे हैं रूप रस गंध आदि के माध्यम से उस वस्तु का संबंध हमारे चित्त से बन जाए और चित्त के साथ जब वस्तु का संबंध बनता है उसको कहते हैं वृत्ति कि चित्त तदाकार कारित हो जाता है जैसा वस्तु हम देखेंगे वैसा ही हमारा चित्त भी हो जाता है यानी कि हम घट देखेंगे तो हमारा चित्त घटाकार कारित हो जाता है जब हम पट यानी कि वस्त्र देखेंगे तो हमारा चित्त पटाकार कारित हो जाता है तो चित्त का तत्तद रूप होना वस्तु के रूप हो जाना यही चित्त का परिणाम है और चित्त के इसी परिणाम को चित्तवृत्ति शब्द से कहा जाता है और यही चित्त वृत्ति जो है ज्ञान का कारण है जब तक से चित्त वृत्ति नहीं बनेगी तब तक हमें सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो पाएगा चित्तवृत्ति के माध्यम से ही अंत में उसका फल होता है अनुभव अनुभूति वेदना जब तक से चित्त में वृत्ति नहीं बनेगी यानी कि चित्त तदाकार कारित नहीं होगा वस्तु के आकार का आकारित जब तक चित्त नहीं होगा तब तक से हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता चाहे आंख खुली हो कान खुला हो शब्द आ रहे हैं इसके पास स्पर्श इस हो रहा हो लेकिन जब तक चित्त तदाकार कारित नहीं हो रहा है तब तक से हमें अनुभव नहीं होता इसलिए कई बार हमारा चित्त कहीं और लगा होता है अन्य विषयों में आसक्त होने से अन्य जगह खोया रहता है स्मरणों में चिंतनों में तो हमारे सामने से कौन व्यक्ति गया इसका ज्ञान ही नहीं होता या कौन क्या बोला ये भी सुनाई नहीं देता जबकि शब्द हमारे कानों पर पड़ रहे हैं फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता क्यों क्योंकि -क्यों मन कहीं और आसक्त है मन के कहीं और आसक्त होने के कारण चित्त में वृत्ति नहीं बन पाती यानी कि चित्त तदाकारकारित नहीं हो पाता इसलिए चित्त को तदाकारकारित होने के लिए चित्त और बुद्धि एक ही बात है मन और बुद्धि में सांख्य में भेद होता है क्योंकि मन अलग तत्व तो है अहंकार से बना है और बुद्धि जो है मूल प्रकृति से बनी है तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार ये सब अंतकरण है लेकिन इनके अलग अलग कार्य होने से इसका विभाजन अलग अलग रूप से महर्षि ने किया है और इसे तत्वांतर है भिन्न भिन्न तत्व अंदर रहते हैं अंदर रह करके ज्ञान के प्रति साधन बनते हैं इसलिए इनको भी अंतकरण कह दिया जाता है सामान्य रूप से मन को अंतकरण कहा जाता है लेकिन मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों को अंतकरण से जाना जाता है और इसको अंतकरण ही कहा जाता है तो जब मन इंद्रियों के साथ संपर्क करेगा इंद्रिया अर्थ के साथ संपर्क करेगी तब जाकर बुद्धि होती है। और बुद्धि का तदाकार कारित होना यही बुद्धि वृत्ति है इसको समझने के लिए आप एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पर्दा है जिस पर चित्र चलाया जाता है चलचित्र तो चलचित्र पर्दे पर चलाया जाता है प्रकाश उस पर दिया जाता है एक विशेष प्रकार का प्रकाश होता है और उस प्रकार से उस पर्दे पर प्रतिबिंब बनने लगते हैं और प्रतिबिंब इस प्रकार से बनते हैं कि कभी घोड़े का कभी मनुष्य का कभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता जाता है और रूप वो पर्दा दिखने लगता है पर्दा अधिष्ठान है आधार है उस पर्दे रूपी आधार पर चित्र चित्रित होते हैं तो पर्दा सदृश चित्त समझ लीजिए और चित्र सदृश वृत्ति समझ लीजिए इस प्रकार से जाकर के हमें ज्ञान होता है तो ये जो चित्त वृत्ति है यही प्रमाण है क्योंकि यही ज्ञान का कारण है जब तक चित्त वृत्ति नहीं बनती तब तक ज्ञान नहीं होता क्योंकि जैसे स्वप्न में स्वप्न में हालांकि स्वप्न में भी वृत्ति बनती है इसको निद्रा कहिए आप जो निद्रा है जिसमें हम स्वप्न भी नहीं देते गाढ़ी निद्रा जिस जिसको सुषुप्ति शब्द से कहा जाता है शास्त्र में तो गाढ़ी निद्रा में कोई वृत्ति नहीं होती और कोई वृत्ति न होने के कारण हमें कुछ बोध नहीं हो पाता हमें उसमें बोध नहीं हो पाता कि क्या हमने देखा कुछ नहीं देखा सीधे सोए और कब सुबह हो गई पता नहीं चला बीच वाला जो समय ही गायब हो जाता है अनुभव में नहीं आता क्यों क्योंकि चित्त जो है बदल नहीं रहा है वस्तु के आकार का नहीं हो रहा है क्योंकि इंद्रिया बंद है तो भी चित्त प्रवृत्ति नहीं बनेगी और इंद्रिया खुली भी हो और मन कार्य ना करे तो भी चित्रवृत्ति नहीं बनेगी कई कई बार ऐसा देखा जाता है कई मनुष्यों के आंखें थोड़ी खुली रहती है सोए हुए में तो आंखें खुली है तो उसके सामने तो कोई वस्तु आ ही रही होगी और उसका तो प्रतिबिंब बन ही रहा होगा आंखों पर परंतु अनुभव क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मन कार्य करना बंद कर दिया है तो इस प्रकार से प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम प्रत्येक विषय का जो अध्यवसाय है यानी कि वृत्ति के रूप में चित्त का तदाकारित कार होना यही अध्यवसाय है क्योंकि अध्यवसायो बुद्धि ही ऐसा महर्षि सांख्यकार कहते हैं कि अध्यवसाय निश्चय जो है यह बुद्धि का धर्म है बुद्धि का लक्षण है तो यानी कि बुद्धि का तदाकार होना वृत्ति रूप में होना यही प्रमाण है यही ज्ञान का विषय है जब तक वृत्ति नहीं बनती तब तक ज्ञान नहीं होता और इसी वृत्ति को ही इन्होंने दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या हुआ लक्षण कि प्रत्येक विषय जब तदाकार कारित हो जाए चित्त में जाकर के यानी कि चित्त उन विषयों को तदाकार कारित कर ले यही प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि इसके तुरंत बाद इसका फल होता है कि व्यक्ति को अनुभव हो जाता है ज्ञान हो जाता है इसलिए प्रति विषय अध्यय दृष्टम यानी कि यहां पर बुद्धि वृत्ति ही प्रमाण है यहां पर बुद्धि वृत्ति ही प्रमाण समझना चाहिए कहीं कहीं इंद्रिया प्रमाण कह दिया जाता है कई बार क्योंकि यदि फल हम चित्त वृत्ति को लेंगे तो इंद्रिया प्रमाण होगा क्योंकि प्रमाकरणम प्रमाणम कई बार वृत्ति को भी प्रमा शब्द से कह दिया जाता है वृत्ति शब्द को प्रमा अर्थात ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है अब जब ज्ञान कह दिया जाए वृत्ति को इसीलिए उसको वृत्मक ज्ञान ऐसा कहा जाता है तो वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है तब ज्ञान फल हो जाएगा और वहां पर इंद्रिया सनिकर्ष प्रमाण हो जाएगा क्योंकि ज्ञान का साधन प्रमाण होता है परमाकरणम प्रमाणम ऐसा होता है और यदि अनुभव को बुद्ध आत्मगत जो अनुभव है अनुभूति है जो आत्मा का एक स्वाभाविक धर्म है ज्ञान करना उसको हम फल माने तो वृत्ति को प्रमाण मानना पड़ेगा तो यहां पर जो कहा है वो वृत्ति को प्रमाण कहा है और जो अनुभूति है जो आत्मा में है वो फल है प्रमाण का फल भी तो होगा क्योंकि प्रमाण तो साधन है तो साधन है तो उसका साध्य क्या होगा साध्य होगा कि आत्मा को ज्ञान हो जाए अनुभूति वेदना अनुभव ये उसका फल हो जाएगा और वो फल कहाँ रहता है आत्मा में रहता है क्योंकि ज्ञान आत्मा का धर्म है वृत्ति चित्त का धर्म है तो इस प्रकार से साधन साध्य भाव इसमें बन जाता है तो यहां पर प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम प्रत्येक विषयों का अध्यवसाय हो जाना है यानी कि चित्त तदाकार कारित हो जाए उन उन विषयों से वही प्रमाण कहलाता है वो कौन सा प्रमाण दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो पहला लक्षण बताया दूसरा कहा अनुमान तो अनुमान को तीन प्रकाश बताया त्रिविधम अनुमानम और वो कैसे उसका लक्षण क्या बताया तो तल लिंग लिंगी पूर्वकम लिंग लिंगी पूर्वक होता है लिंग लिंगी पूर्वक का मतलब होता है कि दो पदार्थ होते हैं और उनका परस्पर में संबंध होता है और ऐसे संबंध जहाँ पर नियत हो क्योंकि संबंध अनियत भी होते हैं नियत भी होते हैं जैसे ये वस्त्र है शरीर के साथ संबंध है लेकिन ये संबंध नियत नहीं है जब तक शरीर होगा हो। तब तक वस्त्र होगा ऐसा कोई नियत संबंध नहीं है या जहाँ जहाँ वस्त्र होगा वहाँ वहाँ शरीर होगा ऐसा कोई नियत संबंध नहीं है तो संबंध तो है लेकिन ये अनियत संबंध है कहीं कहीं नियत संबंध होते हैं जैसे शरीर और पंचभूतों का शरीर जिससे बना है पंचभूतों से बना है तो जब तक शरीर रहेगा तब तक इसमें पंचभूत रहेंगे पांचों तत्व तो रहेंगे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये तो रहेंगे तो इनका जो संबंध है वो नियत है जैसे वस्त्र और वस्त्र के धागों का संबंध क्या, क्या है नियत है जब तक वस्त्र रहेगा तब तक वस्त्र में धागे रहेंगे तो ये वस्त्र और वस्त्र के धागों का संबंध क्या है नियत संबंध है इसी प्रकार जगत में हम अनेक जगह देख सकते हैं तो जहां पर दो संबंध हो संबंध ही में होता है क्योंकि संबंध का रहते दो चीजें ही जाएंगे वहां पर तो संबंध जहां पर नियत हो वहीं पर लिंग लिंगी भाव बनता है यानी कि एक लिंग को पकड़ करके और लिंगी का ज्ञान बिना देखे कर ले इसके प्रसिद्ध उदाहरण है धूम से अग्नि का अनुमान जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है धूम का अग्नि के साथ संबंध नियत है धुएं का अग्नि के साथ संबंध नियत है क्योंकि धुआं उत्पन्न ही होता है अग्नि से तो धुआं और अग्नि में कार्य कारण भाव संबंध है तो जहां कार्य होता है वहां कारण अवश्य होता है क्योंकि यह नियम है वैशेषिक शास्त्र का भी कारणाभाव कार्या कार्याभाव कारण के अभाव हो जाने पर कार्य का भी अभाव हो जाता है कारण भाव कार्य भाव कारण के होने से कार्य होता है तो धूम उत्पन्न होता है धूम किससे उत्पन्न होता है अग्नि से उत्पन्न होता है तो अग्नि कारण हो गई और धूम उससे उत्पन्न हुआ इसलिए वो कार्य हो गया और यह नियत है जहां भी धूम उत्पन्न होगा वो अग्नि से ही उत्पन्न होगा इसलिए इन दोनों को नियत व्याप्ति होने से नियत संबंध होने से नियत संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं नियत संबंध हो व्याप्ति ये एक तांत्रिक शब्द है व्याप्ति मतलब नियत संबंध तो दो पदार्थों के नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं उसमें से यदि आपको नियत संबंध पता हो तो एक को देखकर यदि दूसरा नहीं भी दिख रहा है तो हम अनुमान कर लेते हैं कि यह अवश्य होगा जैसे हमको जब पता हो गया हमने बार बार देखा धूम को अग्नि के साथ तो कालांतर में कहीं पर हम जा रहे हैं और वहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है उस धुआं को देखकर हम क्या कह देते हैं वहाँ पर आग लगी है आग नहीं दिखाई दे रहा है आग क्योंकि दिन में अग्नि के प्रकाश और उसकी लालिमा आदि जो है सूर्य के प्रकाश में तिर रहती है तो दूर से केवल धुआं ही दिखता है तो धुएं के देखने से अग्नि जो नहीं दिखाई दे रही है उसका भी हम ज्ञान कर लेते हैं तो यहाँ पर धूम के द्वारा अग्नि का हमने ज्ञान कर लिया वो कैसे हो गया लिंग लिंगी पूर्वक हो गया अग्नि रूपी लिंगी का धूम रूपी लिंग से ज्ञान हो गया इसी को लिंग लिंगी पूर्वक यानी कि नियत साहचर्य पूर्वक कहते हैं तो ये नियत साहचर्य वाला अनुमान होता है यही अनुमान का लक्षण है और वह अनुमान तीन प्रकार का होता है उसके लिए महर्षि ने कहा कि तीन प्रकार का अनुमान होता है त्रिविधम अनुमानम तीन प्रकार का अनुमान है पूर्ववत सामान्यवत शेषवत पूर्वत में कारण से कार्य का अनुमान हो जाता है पूर्व में ही शेषवत में कार्य से कारण का अनुमान होता है और सामान्यतो दृष्टि में एक जगह कोई हमने संबंध देखा उसी के आधार पर उसे नियम को दूसरे जगह भी अप्लाई कर दिया तो इस प्रकार से जो ज्ञान होता है उसमें से केवल एक लिंग देखेंगे हम लिंग को पकड़ेंगे और अदृष्ट लिंगी होगा लिंगी वहां पर नहीं दिखेगा इंद्रियात सनिकर्ष जो होगा वो केवल एक वस्तु से होगा लेकिन ज्ञान हम इंद्रियात शनिकर्ष जिससे नहीं हुआ उसका कर रहे हैं धूम और अग्नि का आंखों से संबंध हो रहा है ये धूम और आंखों का संबंध हो रहा है धूम और अग्नि का संबंध नहीं हो रहा है लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है अग्नि का हो रहा है तो इंद्रियात शनिकर जिसका न हुआ उसका ज्ञान कर रहे हैं तो वह ज्ञान की प्रणाली जो है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं इस प्रकार से हम यहां पर कार्यकार का ने तीन प्रमाण कहा और इसको विस्तार से आगे हम देखेंगे आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं शेष अगले अंक में शांति शांति शांति